बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों देश भर में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। देश भर में उनके नाम की चर्चा है। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाने के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाले हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही सीएम योगी से मिलने लखनऊ जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही दोनों की मुलाकात हो भी सकती है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद सीएम योगी से मुलाकात के लिए समय मांगा है। बताया जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब सीएम योगी से मिलने जाएंगे तो उनके साथ निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा भी रहेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अनौपचारिक तौर पर सीएम योगी से मिलना चाहते हैं। इस दौरान वो 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए सीएम योगी को आमंत्रित भी करेंगे और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी से औपचारिक तौर पर अनुरोध भी करेंगे। बाबा बागेश्वर ने सीएम योगी से मिलने के लिए 27 जनवरी को समय मांगा, लेकिन 27 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे, इसलिए उस दिन मुलाकात संभव नहीं होगी। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों देश में कई संगठनों के निशाने पर हैं। कई लोगों ने उनके चमत्कार को ढोंग तक करार दे दिया और समाज में पाखंड को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 2 फरवरी को प्रयागराज के माघ मेले में भी आएंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए माघ मेले में पहुंच रहे धीरेन्द्र शास्त्री विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन से मिले समर्थन के बाद बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। 25 जनवरी के हुए संत सम्मेलन में संतों ने एक स्वर में बागेश्वर बाबा का समर्थन किया था। ज्यादातर संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की उनकी बातों का समर्थन किया। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।